अस्सलाम वालेकुम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रेडर्स, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? तो मैं हूं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज विद सफदर अब्बास यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इलियट वेव्स के हिसाब से ये H4 का चार्ट है गोल्ड का, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट ने जो फर्स्ट इलियट वेव्स बनाई थी, ये सेकंड बनी थी, ये थर्ड, और ये 98% तकरीबन इसने रिट्रेसमेंट की है, फोर वेव्स बनाई है। और अगर ये फाइव वेव्स बनाती है और पहले के लेवल्स को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, ये इसने लो क्रिएट किया था 1855। तो अगर मार्केट इससे नीचे जाएगी तो फिर ये जा सकती है 46 तक, 46 से ऊपर नीचे भी हो सकती है, इससे नीचे भी जा सकती है। अगर सेशन का टाइम होगा और मार्केट में वॉल्यूम हाई होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, तो मार्केट 39 तक भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है और 74 के लेवल को ऊपर क्रॉस करती है, तो फिर ये 79, 81, 82 तक इसके जाने के ऊपर की तरफ चांसेस हैं कि 82 तक हो सकता है कि मार्केट चली जाए। तो ये आज का एनालिसिस है। तो एक कोर्स हम शुरू कर रहे हैं इंट्राडे का, ट्रेडिंग का किया हुआ है हमने शुरू। जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो जो मास्टर बनना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो $45 उसकी मैंने फीस रखी है और $22 है जो फर्स्ट 100 होंगे। तो अभी तक तो 10-15 ही हैं मेरे ख्याल में लड़के। तो जो जो कोर्स करना चाहते हैं या जो मैंने अभी तक क्लासे दी हैं उनके कमेंट्स देखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा कमेंट्स करके ले सकते हैं। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। तो ये आज का एनालिसिस था। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को कामयाब करें।